जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत कई तरह के प्रोजेक्ट पूरे शहर में इस समय जम्मू स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे हैं। उसमें से एक और जो प्रोजेक्ट है बड़ा ही अपने आप में इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, बैम्बू हट। आप मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैम्बू हट यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के तहत बस स्टैंड के पास बनाए जा रहे हैं। करीबन 8 ऐसे बैम्बू हट बनाए जा रहे हैं, ये जहाँ पे ईट्रीज इन तौर पर जो है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर कई तरह के व्यंजन जो हैं लगाए जाएंगे और आम लोग जो हैं यहाँ पर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। पहले यहाँ पर रेड़ियाँ लगा करती थी, रेड़ियाँ फड़ियाँ, अब उनकी जगह ये बैम्बू हट बनाए गए हैं ताकि शहर को और इस एरिया को एक खूबसूरती दी जा सके और उस खूबसूरती के तहत जो है यहाँ पर आम लोग आकर इस जगह का नज़ारा ले सकते हैं और कई तरह की जो यहाँ पर ईटरीज सेटअप की जाएंगी और यहाँ पर खाने का भी आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर 8 ऐसे बैम्बू स्ट्रक्चर जो बनाए गए हैं और बैम्बू स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ये बैम्बू बड़ा ही विशेष और ख़ास है। ये असम के बैम्बू हैं जिन्हें विशेष करके हट बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर पूरी लोहे की फ्रेमिंग है और फ्रेमिंग के साथ ही इन बैम्बूज़ को जो है लगाया गया है जिससे कि इसको एक तरह से काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो कंटिन्यू अगर रेगुलर इसकी मेंटेनेंस रहे तो 20 से 25 साल तक ये बैम्बू स्ट्रक्चर कायम रह सकते हैं। इस तरीके से जो है इसको बनाया गया है और कुल लागत जो इसकी बताई जा रही है कि 6 लाख रुपए के प्रोजेक्ट से ये बैम्बू स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि एक तरह से इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही बनाया जा रहा है जिसके बाद अगर यहाँ पर ये सक्सेसफुल होता है और एक अच्छा रिस्पांस मिलता है उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू स्मार्ट सिटी द्वारा इसे और भी शहर के जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर दूसरी जगहों पर इसे बनाया जाएगा इस तरह की जगह को ताकि जम्मू शहर को एक खूबसूरत जो है लुक दी जा सके। ये मेन उद्देश्य है। 8 स्ट्रक्चर जो हैं क्रिएट किए गए हैं और हालांकि इनको अभी फाइनल टच जो है दिया जा रहा है। 1-2 दिन में बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी खूबसूरत जो है लग रहा है और आम लोगों की जो आते जाते जितने भी लोग हैं इसकी तरफ ज़रूर देखते हैं कि जिस तरीके से ये बनाए गए हैं और इसकी डायमेंशन भी एक दुकान के जितनी है। यहाँ पर ईटरीज का खास करके ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, खाने की वस्तुएं यहाँ पर बेची जाएंगी। ये कुल मिलाकर जो है एक इको फ्रेंडली एक वे नया तरीका ढूंढा गया है इस तरह की दुकानें बनाने का जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा और जम्मू स्मार्ट सिटी द्वारा ताकि लोग जो हैं शहर की खूबसूरती को देखें और शहर की खूबसूरती में इस तरह के स्ट्रक्चर और भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एड ऑन हों। इन बैम्बू हट बनाने वालों के कलाकारों से हम आपको अभी मिलवाते हैं जो इस पूरे बैम्बू हट को यहाँ पर जम्मू में जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत बना रहे हैं। खुद इनसे बातचीत करते हैं जैसे कि अब हम दिखा चुके हैं आपको कि किस तरीके से खूबसूरती के साथ ये बैम्बू हट बनाए गए हैं। पहले खुद ही बात करते हैं, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राजकुमार है, वो दिल्ली से ही दिल्ली फरीदाबाद से ही हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जी। जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे कई सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें इस चीज़ का क्या है भी स्मार्ट सिटी के लिए ये चीज़ हम बनाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से हमें यहाँ पे बुलाया वर्किंग के लिए। 15-1 दिन हो गए हैं हमें यहाँ पे 8 बनाने के लिए, 8 हट बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया है जी। तो हमें थोड़ा बताएं इसकी खासियत क्या है कि बैम्बू हट जो है ये किस तरह का बैम्बू होता है, ख़ास प्रकार का है, किस तरह के हैं और उसे बनाने में एक हट बनाने में कितना समय लग जाता है? माँ एक हट बनाने में 5-6 दिन का टाइम लगता है। किस तरह का बैम्बू है ये? ये आसाम का बैम्बू होता है, ये बढ़िया बैम्बू होता है क्योंकि इसमें कीड़ा बहुत कम लगता है, ज़्यादा कीड़ा इसमें कीड़ा का भी लगता ही नहीं है। वैसे तो जब हम इसे लगाते हैं इसमें कीड़े का भी केमिकल मिलाते हैं जो कीड़ा इसको ख़राब ना करे, क्योंकि ये फाड़ के हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें जो अंदर में जो गैस होता है वो गैस भी ख़त्म हो जाता है। अगर हम ऐसे ही साबित लगाते प्रॉपर तो ये फटता है फिर बाद में। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है, यानी कि अगर जब एक बैम्बू कोई बना दे बैम्बू हट तो कितने देर तक चलता है ये? 20-1 साल चल जाता है। उसके लिए मेंटेनेंस कराना पड़ता है, ईयर टू ईयर में कराते रहना चाहिए। मेंटेनेंस में क्या चीज़ होती है, कोई पॉलिश वगैरह होती है या दवाइयाँ? मेंटेनेंस में ये हैगा जी, आप पॉलिश कराइए, पॉलिश में जो कीड़े का जो थोड़ा केमिकल मिलवा के बस उसे करा दीजिए,
अगर आप नेचुरल रखना चाहते हो तो टचवुड लगाइए, अगर वैसे आप कुछ और भी कलर करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा मर्जी कलर कर सकते हो। मतलब कोई भी जो है आपको, जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए आप लोग आए हो, वैसे अगर आपको किसी ने पर्सनल बनाना हो तो वो आपसे कहकर बनवा सकता है? हाँ जी बिल्कुल बनवा सकता है। इसकी कुल देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट क्या कीमत रहती है, जिस तरह का हट आपने ये बनाया? ये स्क्वायर फिट का हिसाब होता है जी। अच्छा, तो कैसे स्क्वायर फिट मतलब ये 200 रुपये पर स्क्वायर फिट का हिसाब रहता है सर। क्या आपको लग रहा है कुछ सिर्फ इतना ही अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है या और भी कोई मिला हो? उन्होंने ये सैंपल तौर पे बनाया है, इसके बाद उन्होंने बोला तो है कि भाई आपका आगे भी देखते हैं, पहले इसको प्रोजेक्ट को बन जाने दीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या खाका बनानी है, हमें साइड भी देखनी होगी, इतनी जल्दी साइड भी तो प्रोवाइड नहीं होती ना, इसीलिए उन्होंने ये कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद बताएंगे।